आज मैंने आपके साथ बहुत ही खस्ता और करारे समोसे की रेसिपी शेयर की है, जो ना हर कोई बना सकता है एकदम इजी स्टेप के साथ। तो चलिए इसकी मेकिंग पे आते हैं और शुरू करते हैं आज का बनाना अपनी इस न्यू रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने ये आधा किलो मैदा ले लिया है और उसमें मैंने डाला है अजवाइन और मंगरायल, थोड़ा सा नमक। और आधा किलो मैदा के लिए हम लेंगे आधा कप रिफाइंड ऑयल। मोयन हमें अच्छे से डालना है, तभी हमारे जो समोसे हैं वो एकदम खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। और अब रिफाइंड ऑयल डालने के बाद इसे हम अच्छे अपने हाथों से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, थोड़ा सा गांठ बांध के देखेंगे कि ये जो मैदा है वो गांठ बन जा रही है कि नहीं। अच्छे हाथों से इसे रब करते हुए और जिस कप में मैंने रिफाइन ऑयल लिया था उसी कप में मैंने पानी ले लिया है और उसका अच्छा सा टाइट एक डो बना लिया है। डो बनाने के बाद इसमें हम पेड़े काट लेंगे। एक पेड़े से दो समोसे बनेंगे, तो आपको जितने समोसे खाने हो उतने हिसाब से पेड़े अपने काट लीजिए। अब एक एक करके हम इन पेड़ों से अपने पूड़ियाँ बना लेंगे। तो इसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ, साथ ही साथ इधर एक प्लेट रख देती हूँ। तो एक पेड़ा उठाएंगे और उसे हल्का सा दबाते हुए हम उसकी एक पूड़ी बेल लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा इस पे आटा भी डस्ट कर सकते हैं मैदा पर, इसमें मोयन मैंने अच्छे खासे मात्रा में डाला है। तो ये देखिए, मैं बिना आटा डस्ट किए ही अच्छी सी एक पूड़ी बना लूँगी। समोसे बड़े या छोटे जिस आकार के आपको बनाने हो उस हिसाब से पूड़ी बेलिए। तो मैं मीडियम आकार के समोसे बनाऊँगी, तो इसलिए देखिए मैंने जो पूड़ी है वो हल्की सी बड़ी बनाई है। और बस थोड़ा सा चाकू में पानी लगा के हम जो अपनी पूड़ी है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। थिकनेस आप देख रहे हैं ना, बस इतनी ही चाहिए। इस तरह करके मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। और अब स्टफिंग की बारी आती है, तो कढ़ाई में तेल करेंगे और पंचफोरन डालेंगे। इसमें धनिया, सौंफ, जीरा, मिर्ची, हींग मैंने डाल दी है, दो प्याज जिसको मैंने बहुत ही बारीक काटा हुआ है। और प्याज डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट भूनेंगे। प्याज भून जाने के बाद डालेंगे मसाले। तो इसमें 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है और साथ ही साथ इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्जी मसाला। कलर के लिए आप इसमें, आप चाहें तो फूड कलर डाल सकते हैं या फिर कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी इसमें। और फिर मैंने सब्जी मसाला भी डाल दिया है इसमें थोड़ा सा। सारे जो हमारे 4-5 रेगुलर मसाले जो किचन में होते हैं, बस हमें वही डालना है। और थोड़ा सा नमक हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। सारे मसालों को मैंने डाल दिया और अब इसे हम मिलाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है नीचे से लगे नहीं। और आखिरी में हम डाल देंगे फ्राइड मूंगफली, जिसे मैंने पहले ही भून के रख लिया था। और अपना आलू उबला हुआ उसे हम डाल के मिक्स करेंगे और चारों तरफ से मिलाएंगे, और ताकि हमारा जो मसाला है सब कुछ अच्छे से मिल जाए। और ये देखिए, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इसे हम रख के 10-15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। और पूड़ियाँ हमने पहले ही बेल रखी थी। तब हम अपने नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं और अब समोसे की बारी आती है। तो एक पूड़ी उठाएंगे, उस पर हाथों में पानी लगा लेंगे। चारों तरफ पूरी पूड़ियों पर हम पानी लगा लेंगे। और ये देखिए, जैसे मैं घुमा रही हूँ ना, बस एक एंड से उठाना है, दूसरे एंड में सटा देना है। और बीच वाला भाग हमें खाली रखना है, उसमें हम ये अपने स्टफिंग को डाल देंगे। स्टफिंग जितनी अच्छी बनी रहेगी आपके समोसे उतने अच्छे बने रहेंगे। और ये देखिए, दबाते हुए हल्के हाथों से हम जो पीछे की किनारी है उसे बंद कर देंगे। समोसा कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसमें तेल घुस सकता है। और बारी बारी करके हम अपने सारे समोसे बना लेंगे। फिर मैंने पूड़ी उठाई और पूड़ी पर मैंने पानी लगा दी, दोनों एंड को पकड़ा और घुमा दिया। एक दूसरे में सटा देना है और बीच में जो कटोरी नुमा है ना, उसमें बस हमें अपनी स्टफिंग डाल देनी है। स्टफिंग ज़्यादा भर के डालें तभी जो समोसे खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैं इसमें भर भर के स्टफिंग डाल रही हूँ और इसे हम चारों तरफ से अब इसके जो खुले पार्ट है उसे बंद कर देंगे। और एक एक करके मैंने अपने सारे समोसे बना लिए हैं। समोसा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप जो इसकी तैयारियाँ हैं पहले ही कर लें और पेशेंस के साथ बनाएं। फिर मैंने ऑयल गरम कर लिया था और एक एक करके मैं इसे समोसों को अब फ्राई करूंगी। इसे मैं रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ।
जो इसका मीडियम फ्लेम है एकदम लो टू मीडियम रहना चाहिए, तभी हमारे समोसे खस्ते बनते हैं। हाई फ्लेम पे पकाने पे समोसे ऊपर से पक जाते हैं पर अंदर से कुरकुरे नहीं होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे डाल दिया है और इसे मैं एकदम 10 मिनट के लिए बिना हिलाए डुलाए छोड़ दूँगी और 10 मिनट बाद में इसे पलटूँगी, तो फिर देखेंगे कि जो समोसा एक तरफ से पूरा पक जाएगा और दूसरी तरफ। अब बारी आती है, देखिए मैं टर्न कर दे रही हूँ और ये देखिए एक समोसा मेरा इसमें खुल भी गया है, इसमें लग रहा है अच्छे से पानी नहीं डला है, लग पाई थी पूरी पूड़ी में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब समोसा बनाए तो पूड़ी में पानी पूरी तरह से लगाएं। और ये देखिए 15 मिनट में ही एक बैच हमारा बनके तैयार हो गया और ये कितने खस्ते और कुरकुरे समोसे बने हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।